नमस्ते फ्रेंड्स, अमेजिंग एबीसी फैशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल यूनिक स्लीव्स डिजाइन, जिसे आप बना सकते हैं अपनी सूट्स, सलवार कमीज, चूड़ीदार्स और कुर्ती टॉप्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ एल्बो लेंथ नॉर्मल स्लीव पैटर्न का ये स्लीव कटिंग है। अब हम इसे एक्सटेंडेड बेल्ट पैटर्न बनाएंगे, जिसके लिए एक स्क्वायर पीस ले रही हूँ। इसको हमें फोल्ड करना है ऐसे डायगोनली, और ये जो स्लीव ओपनिंग है ना, इस कोन के ऊपर ऐसे रखते हुए इसका मार्किंग्स दीजिए। और इस मार्किंग से मैं रूलर रखते हुए 8 इंचेस ले रही हूँ, जो कि बेल पैटर्न बनाने के लिए। अब मैं टोटल मेजर कर रही हूँ, जो कि 16.5 है। तो टेप को थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए 16.5 इंचेस के ऊपर रखते हुए हमें मार्किंग करना है, जैसे कि सेमी सर्कल शेप बन जाती है। अभी मार्क किया हुआ लाइंस के ऊपर कट कर देती हूँ। और मैं एंड्स को कंसील कर देती हूँ डबल फोल्ड करते हुए। स्टिचिंग होने के बाद ऐसे दिखती है। अब मैं स्लीव ओपनिंग को एक बेल पैटर्न के स्लीव के साथ दोनों को राइट साइड्स एक साथ रखते हुए जॉइन कर देती हूँ। स्टिचिंग होने के बाद एक्सटेंडेड बेल स्लीव पैटर्न ऐसी दिखती है। अब मैं इसको बिल्कुल बीच में फोल्ड करते हुए ऊपर से 3 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। अब ये फोल्ड के ऊपर स्लिट को बनाते हुए डोरी को ज्वाइन करेंगे। स्लिट बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये 2 इंचेस का स्ट्रिप है, जिसे मैंने कंसील कर दिया है। अब बिल्कुल फोल्ड के बाजू से नैरो लाइन को ड्रॉ करती हूँ ऐसे वी शेप में, जिसके बीच में हम स्लिट देते हैं। तो अब हम सिलाई करेंगे इसका। पहले दोनों फोल्ड्स एक साथ रखते हुए, यानी स्ट्रिप का फोल्ड, स्लीव्स का सेंटर फोल्ड, बिल्कुल फोल्ड के ऊपर स्टिच करती हूँ, जिसे प्लेस में रहती है। और अब मार्क किया हुआ वी शेप, नैरो वी शेप के ऊपर स्टिच करती हूँ। स्टिचिंग होने के बाद ऐसे दिखती है, जो कि बारीकी से बना है। अब मैं इसके बीच में स्लिट देती हूँ। स्ट्रिप्स को रॉन्ग से टर्न करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच देती हूँ। टॉप स्टिच करते हुए इधर जो जॉइनिंग है ना, नीचे हम डोरी को रखते हुए डोरी को जॉइन कर देते हैं। फिर ऐसे ही स्टिचिंग को दूसरी साइड कंटिन्यू करते हुए और एक डोरी को ज्वाइन कर देती हूँ।
अब मैं थोड़ा बाजू के ऊपर भी स्टिच कर देती हूँ, जिससे कि नीचे सीम अलाउंस है ना वो नहीं निकलती। स्लिट पैटर्न ऐसे दिखते हैं। इधर हम बांधेंगे डोरी ऐसे। फाइनली डिजाइन करती हूँ मैं लटकन्स के साथ ये दोनों एंड्स के ऊपर, जिसके लिए हमें कट करना है सर्कल शेप, और मैं डबल फोल्ड करते हुए ऐसे स्क्वायर पीस के ऊपर कर्व शेप में कट करती हूँ, जिससे सर्कल शेप बन जाती है। और ये रहा हमारा सर्कल्स। अब इसके बीच में भी मैं कट करती हूँ, जिससे सेमी सर्कल शेप बन जाती है, यानी आधा सर्कल। अब मैं स्टोरी एंड को ऐसे रखते हुए ये दोनों रॉ एजेस के ऊपर हमें स्टिच करने का है। उम्मीद है आपको ये मार्किंग्स दिख रहा है। तो इसका जो एंड है इसको बीच में ऐसे लगाते हुए ऊपर से दोनों रॉ एंड्स को मैं मिलाती हूँ और स्टिच कर देती हूँ। ऐसे ही बीच बीच में एक एक इंच छोड़ते हुए इसको मैंने उल्टा लगाया है ऐसे। अब डोरी को बीच में से रखते हुए ऊपर से स्टिच कर देती हूँ और इसको आगे करती हूँ, जिससे कि हमारा फैब्रिक टैसल्स बन जाती है। आजकल इस टाइप की टैसल्स बहुत ही ट्रेंडिंग है, आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। तो मैं इधर चार लगा रही हूँ। टैसल्स बन चुकी है और ये रहा फाइनल लुकआउट है ना इसका। स्लिट और हैंगिंग्स बहुत ही प्यारी और सुंदर। तो देर किस बात की, ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंसेस। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटीज और सर्कल्स में। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहें अमेजिंग एबीसी फैशन चैनल को और सब्सक्राइब करना मत, साथ में क्लिक कीजिए बेल बटन को, जिससे आपको मिल जाएगी मेरे हर नई नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू ऑल, बाय फॉर नाउ।